सीमा सुरक्षा बल के एक बटालियन पे जहाँ पर बीजेपी के नेताओं के साथ में कई संगठन हैं जो कि जयपुर से लेकर कई बहनें हैं वो सीमा सुरक्षा बल के जवान और जो भी अधिकारी है उनको राखी बांधने के लिए आई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, मातरम के नारे। तो अपने आप में ये पूरा का पूरा किस तरीके से हम जानते हैं। मैम आप कहाँ से आए और खास तौर से आपने यहीं बीएसएफ के जवानों को क्यों चुना? भारत के सभी जवानों को रक्षाबंधन के त्योहार की डॉक्टर ज्योति किरण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। राजस्थान का वित्त देखती हूँ और वित्त जब देखती हूँ तो ये भी देखती हूँ कि सीमा पर प्रत्येक जवान जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा कर रहा है उसको उस दृष्टि से हमने एनकरेज करने की जरूरत है। बहुत से राजनेता आते हैं लेकिन मेरे साथ यहाँ पूरा दल है और ये पूरा दल जो माननीय मुख्यमंत्री का संदेश लेके आया है वो ये कह रहा है कि देश की सीमा की आपने जिस प्रकार से सुरक्षा की है हम सब बहने इस बात का प्रण लेती हैं कि आपके दीर्घ जीवन के लिए ये देश सदा सदा प्रार्थना करे। आज रक्षाबंधन के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और मेरे घर में भी मेरी बहन है जो मेरे भाइयों को राखी बांधेगी। यहाँ पे हूँ तो इसलिए मुझे खुशी है। सबसे पहले तो मैं माननीय डॉक्टर ज्योति किरण जी का आभारी हूँ कि आज के पर्व पावन दिन रक्षा पर्व रक्षाबंधन का जो दिन है हमारे बीच में आए। हमारे पूरा जो बीएसएफ का परिवार है वो तकरीबन वर्ष के 10 महीने घरों से बाहर दूर रहता है और किसी भी पर्व त्यौहार में हमें अपने घर परिवार की ज़्यादा याद आती है। तो ऑब्वियसली आज भी हमें अपने घर परिवार की याद काफ़ी आती है।